वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी के साथ शॉपिंग के लिए, बिकॉज़ वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप फॉर 14 डेज। मम्मी के साथ शॉपिंग जाना मतलब इट्स अ वेरी टफ एंड अ डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज माई मॉम इज ऑलवेज कन्फ्यूज कि क्या ले क्या ना ले। तो मम्मी की भी शॉपिंग करनी है, देन मुझे ना ऐसे तो पहले ही सोच के थोड़ा टेंशन आ रहा है कि मम्मी के साथ शॉपिंग जाना है। ओ माय गॉड, आल्सो आई एम नॉट गोइंग टू ड्राइव टुडे बिकॉज मनाली से आते वक्त हमारा एक छोटू सा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरे नेक को थोड़ा प्रेशर की वजह से माय नेक इज पेनिंग नाउ एंड मेरे हाथ भी दुख रहे, तो आई कांट मूव माय हैंड ऊपर की तरफ। सो आई एम नॉट गोइंग टू ड्राइव टुडे। और मेरी मम्मी की चुगली चालू हो गई मेरे मासी के साथ। ज़्यादा कुछ ब्लॉग किया ही नहीं मॉल में, क्योंकि वी वर इन हरी एंड बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे काम हैं, तो ब्लॉगिंग करने में नहीं मिला क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में थे। तो ये पास्ता सौम्या ने बनाया है, बट मेरे लिए नहीं बनाया, सिर्फ खुद के लिए बनाया है। एक और लिया है उसने स्पून, दे अभी गरम है, मेरे साथ शेयर भी कर रही है। सो मेरी मम्मी लाइंग ऑन कैमरा, सो मेरी मम्मी मेरे लिए दूसरा पास्ता बना रही, और ये टेस्टी और यम्मी पास्ता मेरे मम्मी ने बनाया है। लुक्स बेटर देन सौम्या का बनाया हुआ पास्ता। इग्नोर दिस मेस बिकॉज इट्स सौम्या'स वार्डरोब। मैंने जो आपको बताया कि हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं 14 डेज के लिए, सो आई वाज थिंकिंग कि लगेज कम लेके जाएं, एंड मैंने सौम्या को बोला कि हम लोग दोनों शेयर करते हैं पैंट्स, जो भी जीन्स है शेयर करते हैं। आई एम सो गुड, अगर मतलब क्योंकि लगेज बहुत ज्यादा हो जाता है बेफालतू का, एंड देन एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ते फॉर लगेज। देन आई सेड सौम्या कि अपन साथ में लेके जाएंगे एंड शेयर करेंगे। तो इस पे सौम्या देखो क्या बोल रही है। डिड यू लाइक द आइडिया? I love it because मेरा ही उसमें फायदा है क्योंकि तेरे जीन्स ज्यादा है और मुझे इसके जीन्स पसंद है यूज करने के लिए। इसके पास कम जीन्स है इसलिए खुश है ये आइडिया से इसका फायदा है। जेरी ने कल छोटे बच्चे बिल्डिंग में बॉल खेल रहे थे और वो बॉल हमारे घर के यहाँ पे गिर गया, एंड जेरी ने वो चुरा के लाया और वो बच्चों को दे ही नहीं रहा था। तो आज सुबह वो बच्चे फिर से आ गए अपना बॉल लेने के लिए, कल तो उसने दिया ही नहीं पूरे दिन, तो आज सौम्या ने उनको बॉल उनका रिटर्न कर दिया। एंड जेरी इज लाइक वेयर इज माय बॉल नाउ, एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड क्योंकि उसको ऐसे चुरा के खेलने वाली चीजों में बहुत ज्यादा मजा आता है। एंड जब तुम लोग घर आए थे ना तब वो दिखा रहा था, देखो मैंने, एंड जब मम्मी और मैं शॉपिंग से घर आए रिटर्न, तो वो मुंह में बॉल लेके आ गया ये दिखाने के लिए, देखो मैंने चुरा के लाया हूँ, एंड नाउ ही इज लाइक वेयर इज माय बॉल। जेरी ए भाई इधर बघितला होता मी बॉल लास्ट, इधर बघितला होता, नहीं ए भाई इथे 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 बघितला, चेक कर कुठे आहे, नाही आहे नाही आहे, इथे चेक कर बॉल आहे का बघ। नो जेरी काफी टाइम से मैंने ड्राइविंग नहीं किया था, एंड आफ्टर 20 to 25 डेज के बाद फाइनली आई एम गोइंग टू ड्राइव टुडे। काफी कपड़े चेंज करने के बाद, बहुत सारे कंफ्यूजन के बाद मैंने फाइनली ये पहन लिया। एक्चुअली मैंने सोच लिया था कि मैं काफी दिन ड्राइव नहीं करूंगी, लेकिन फिर मन भी नहीं लग रहा था, एंड आई वॉन्टेड टू ड्राइव माई कार, सो फाइनली मैंने ले ही लिया। ये लड़के ने सारा मूड खराब दिया है, आधे घंटे बाद आया है इतना लेट आकर। क्या करूं मैं अकेला था घर पे, तो मैं क्या करूं, और वैसे भी तू मिल रहा है 20-25 दिन बाद और फिर भी लेट आया। क्या बोल रहा था तू? मैं मेरे को 500 रुपए रिचार्ज कर दे। कैमरा जब ऑफ था मेरे को बोलते 15 रुपए वाला रिचार्ज कर दे। आज का जीबी खत्म हो गया इसलिए मांग रहा है रिचार्ज। मेरा पोस्टपेड है यार, इतनी भीड़ क्यों है मॉल में, शायद कुछ फ्री में बिक रहा है मिल रहा है यार, सब लोगों को कंटेंट नहीं मिल रहा तो क्या कुछ भी कर रहे हैं लोग। ये भी मांग रही है 15 रुपीज का रिचार्ज, दीदी प्लीज कर दे। नहीं मिलेगा दोनों को भी नहीं मिलेगा, निकलो दोनों को भी नहीं मिलेगा निकलो। अरे वहां से एग्जिट है, एंट्री कहाँ से? मम्मी ने आज मेरे लिए पाव भाजी बनाई है, एंड मुझे ना बाहर की पाव भाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ होटल्स में वगैरह, तो मैं पाव भाजी कभी नहीं खाती क्योंकि मेरे को मेरी मम्मी की ही पसंद है। मेरी मम्मी उधर से देख रही है हंस के, कभी मैं झूठ तो नहीं बोल रही, लेकिन मेरी मम्मी को भी पता है कि मैं बाहर पाव भाजी कभी नहीं खाती, सिर्फ घर का ही खाना पसंद करती हूँ। ये पाव भाजी मैं पूरी खत्म कर दूंगी बिकॉज सौम्या इज नॉट हियर, मूवी देखने के लिए गई है, मैंने सारा खत्म कर दिया है।
आई एम गोइंग टू स्टार्ट पैकिंग माई बैग. मैं दो दिन पहले ही स्टार्ट कर रही हूँ बैग पैक करने के लिए, क्योंकि मुझे लास्ट मोमेंट पे बैग पैकिंग नहीं करनी है, क्योंकि मेरे घर में ना थोड़ा कपड़ों का मैस हो चुका है और सारी चीजें मुझे टाइम पे नहीं मिल रही है, जगह पे नहीं मिल रही है, तो मुझे रिस्क नहीं लेना लास्ट मोमेंट पे पैक लास्ट मोमेंट पे बैग पैकिंग करके. दुनिया में सबसे बोरिंग काम बैग पैक करना एंड फिर से उसको अनपैक करना. बहुत दिमाग खराब होता है, सारी चीजें डालो फिर से निकालो फिर से धोने डालो. यहाँ पर आप मैस देख सकते हो इतना मैस है, तो एक तो सारी चीजें यहाँ वहां पड़ी है उसमें से ढूंढो, सारी एक्सेसरीज ढूंढो, सारे सामान ढूंढो एंड देन बैग पैक करो. माय गॉड, आई एम फाइनली डन विद द पैकिंग. बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और ये मैस क्रिएट किया है मैंने पैकिंग करते वक्त. और ऐसा नहीं कि मेरे पास कपड़े नहीं है, बहुत ज्यादा कपड़े है, पूरे दो वार्डरोब्स भर के, लेकिन मैंने सब ऐसे कैसे करके अंदर डाल दिए, तो कुछ भी टाइम पे नहीं मिलता. तो मैं पहनती एक ही हूँ हमेशा, मतलब मैं आज जो पहनती हूँ धोने डालती हूँ, फिर जो धुल के वापस आते हैं फिर मैं वो पहन लेती हूँ. और ये सब मैस क्लियर ना करने का एक बड़ा रीजन है जो कि आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा. व्हाट इज ही सर्चिंग फॉर, क्या ढूंढ रहा है भाई यार जेरी. भी पता यहाँ पे सोना मिलेगा क्या? आ, 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 आ.